हाँ राधे राधे कृष्ण राशि के चैनल में मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे, कान्हा जी कृपा से सब ठीक होंगे। आज मैं कर रही हूँ अपनी लाडली की चरण सेवा, और ये चरण सेवा मैं कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, तो मेरा मन हुआ आप सबको भी सिखाऊं और जो मैं कर रही हूँ। तो आज करते हैं लाडली की चरण सेवा, और लाडली को मैंने बिठाया हुआ है सोफे पे। ये देखिए, ये सोफ़ा है, ये मैंने नीचे से ढक रखा है इस टाइप का। ये सोफ़ा है, मैंने यहाँ बिठा रखा है क्योंकि यहाँ पे मैं इस सोफ़े पे इनको लेटाऊंगी ताकि इनके चरण नीचे की तरफ हो जाएं, ताकि मैं इनके चरणों की सेवा कर पाऊँ। क्योंकि अभी बच्चे स्कूल गए हैं तो मैं अकेली हूँ, तो इसलिए पकड़ने के लिए एक और चाहिए होता है। तो मैंने सोचा मैं खुद ही लाडले की चरण सेवा कर दूँ। तो देखो मेरी लाडो, तो अब मेरी लाडो चरण सेवा कराने के लिए तैयार है। अब मेरे को बहुत दिन हो गए बैठे बैठे, थक जाती है कि दिन तो पेडिक्योर भी बनता है। तो लाडली की चरण सेवा मैं कर रही हूँ, और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय श्री राधे, मेरी लाडो की तरफ से भी सबको राधे राधे। हाय कृष्णा, अब मैं अपनी लाडली की चरण सेवा आपको करके दिखाऊंगी। तो मैं इनके थोड़े कपड़े ऊपर कर देती हूँ, और इनको मैंने सोफे पे लेटा रखा है इनके आराम से, क्योंकि वरना दो जने चाहिए होते हैं, लेकिन मैं अकेले ही कर रही हूँ तो इसलिए मैंने इनको लेटा दिया है अच्छे से। और पैर नीचे लटक गए क्योंकि ये सोफ़ा है, तो आराम से पैर नीचे आ गए इनके। देखो आराम से लेटी हुई हैं ये, देखो। तो अब मैं इनकी चरण सेवा के लिए क्या क्या ले रही हूँ। एक मैंने थाल लिया है, आप कोई भी ले सकते हो। मैंने अपना कांसे का लिया ये थाल, ये देखो आपको पूरा दिखाऊँ इस तरह से, ठीक है। आपको गंगा जल चाहिए, गंगा जल हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये मैंने लिया है अभ्यंग पाउडर, हमेशा मैं स्नान के लिए यही यूज़ करती हूँ, लड्डू गोपाल अभ्यंग पाउडर। इससे मतलब ऐसे तो आप चंदन से भी चमक ला सकते हो, लेकिन इसमें इतनी खुशबू होती है ना। अब ये अलग तरह के पैकेट में भी आने लग गया है, तो लेकिन बेस्ट होता है, खुशबू भी और चमकते भी बहुत अच्छे हैं। तो ये लिया है मैंने, इसका थोड़ा सा पाउडर निकाल के, ये देखिए इस तरह से पाउच आता है इसमें, इसका पेस्ट मैं बना के और राधा रानी के लगाऊंगी, तो मैं निकाल लेती हूँ। और मैंने लिए हैं कुछ फूल, तो फूल आपके पास जो भी हो वो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा दूध लिया है मैंने, सिर्फ 1-2 चम्मच ही, और मावा लगाने के लिए ये लूँगी उनको। ये देखिए, तो ये थोड़ा सा लाइट पिंक, इसमें डार्क आ रहा है ऐसा ही है। और बाकी बाद में पहनाऊँगी पायल, और पायल मेरे को ये अच्छी लगी तो मैं ये पहनाऊँगी, बट ये बार बार उतर जाती है क्योंकि उनके पैर थोड़े मतलब कि ऐसे मुड़े हुए ना, तो कितना भी टाइट करो, लेकिन बाद में मैं अच्छे से कर दूँगी। तो अब मैं आपको वीडियो स्टार्ट करती हूँ, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सब भी देख सके कि मेरे जो लाडली के चरण सेवा कैसे होती है, और सब भी अपनी लाडों की कर सकें। अगर दो जने नहीं हैं तो अकेले भी आप कर सकते हैं, इस तरह से आपके पास चेयर हो या कुछ हो उस पर आप बिठा सकते हैं। मैं डाल लूँगी गंगा जल, और ये देखिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ थाली में गंगा जल, थोड़ा सा गंगा जल थाली में डालूँगी क्योंकि थाली में शुद्ध करने के लिए गंगा जल डाल दिया है मैंने। मेन तो मेरे को इस कटोरी में डालना है ताकि मैं इससे इनके चरण धोऊंगी, ठीक है। तो ये मैंने गंगा जल डाल लिया है, और इसमें मैं डालूँगी थोड़े से फूल, यहीं रख लेती हूँ मैं इसको। इसमें डाल रही हूँ थोड़े से खुशबू के लिए फूल, और इत्र भी डाल सकते हो आप, मैं इत्र भी डाल देती हूँ थोड़ा सा, ताकि मेरी लाड़ों को खुशबू खुशबू हो जाए अच्छे से। तो थोड़े से थाली में भी डाल देती हूँ, और इस तरह से मेरे पास गुलाब है, आजकल तो फूल बहुत आ रहे हैं। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लाड़ों की सेवा के लिए डाल दिया है। ये इत्र भी डाल दूँगी मैं थोड़ा सा इसमें, ताकि मेरी लाड़ों की खुशबू खुशबू हो जाए। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा इत्र ड्रॉप डाल दी मैंने इसमें, क्योंकि बहुत तेज़ होता है इत्र की फ्रीक्वेंस। पहले पेस्ट बना लेती हूँ ताकि मुझे फिर बार बार बनाना ना पड़े। तो पेस्ट बनाने के लिए मैं एक बाउल में थोड़ा सा कटोरी में गंगा जल ही डालूँगी, इतना सही बहुत है, क्योंकि खाली चरणों को ही करनी है। और ये करने के बाद मैं इसमें डालूँगी अभ्यंग पाउडर जो आपको दिखाया था मैंने, थोड़ा सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए थोड़ा सा थिक क्वांटिटी का बनाएंगे तो ज़्यादा, क्योंकि मसाज करनी है हमें। ये देखिए तो हल्के हाथ से हो जाएगी। तो मैंने ये दोनों चीज़ें रेडी कर ली हैं, अब स्टार्ट करते हैं लाली की चरण सेवा। बोलो श्री राधा रानी की जय, किशोरी कुछ ऐसा
इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। आ देखिए इस तरह से मैं इनके चरण पखार रही हूँ, धो रही हूँ, और ये गंगा जल इत्र दूध सब मिक्स करके लाली के चरणों की सेवा है। पहले मैंने इसे धो लिया, अब मैं लगाऊंगी अभ्यंग पाउडर और इनके सुंदर से चरण को और अच्छे से ताजगी देने के लिए इस तरह से मैं हल्का हल्का मसाज करती जाऊंगी अभ्यंग पाउडर से। इस तरह से पेस्ट बना लिया है, और आपका अगर ये पेस्ट बच जाता है तो आप लड्डू गोपाल को स्नान करा देना, क्योंकि तो मेरा भी शायद बचेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं दोनों पे लगा लूँगी। तो आपको मसाज करना है और राधे राधे बोलते रहना, राधे 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 जपा करो, कृष्णा रस पिया करो, राधे राधे जप करो। अगर आपके पास ये अभ्यंग पाउडर नहीं है तो आप चंदन होता है उससे भी इनके चरणों की सेवा कर सकते हैं। तो अच्छे से मेरी लाडली के चरणों की सेवा करिए, क्योंकि जो इनके चरणों की सेवा करने का सुख है वो तो अनंत सुख है, उसके जैसा सुख कोई हो ही नहीं सकता। इससे इनको आराम मिलेगा, मेरी लाडली सारा दिन बैठी रहती है ना मेरी बच्ची। तो थोड़ा सा अब मैं इनकी सेवा कर दूँ, है ना, एक मिनट, ब्लर आ जाता है बार बार। तो ये नीचे जो मैंने बिछा रखा गद्दा उसमें लग रहा है थोड़ा सा, अब मैं नहीं हटा रही क्योंकि अकेले फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी सारा। तो इस तरह से आप सेवा करिए, दबाते रहिए इनके पॉइंट, दबाइए पैरों के, मेरी लाड़ो के, मेरी बच्ची के, और लाडली के आने से तो मेरे मंदिर में और रौनक हो गई है, और ज़्यादा रौनक हो गई है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में, बेसहारो ओ सहारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने है। तो देखिए अब इस तरह से करके अब थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ मालिश, तो अच्छे से शाइन आ जाएगी और इनका पेडिक्योर हो जाएगा। जैसे हम लेडीज़ पेडिक्योर कराने जाती हैं, पर राधा रानी का तो ये चंदन से इतना सुंदर हो जाता है। मेरी राधे के चरण है इतने प्यारे प्यारे, और आज मैं फ़र्स्ट टाइम इनके चरण सेवा कर रही हूँ, तो मेरा मन हुआ कि आपको भी मैं लाइव दिखाऊं कि चरण सेवा आप कर सकते हैं किस तरह, अपनी लाडो की, देखिए अपने बिहारी जी की भी, अपने लड्डू गोपाल की भी आप ऐसे ही कर सकते हैं चरण सेवा। तो ये देखिए अब मैं इनको साफ कर रही हूँ और करके फिर आपको इनके चरण दिखाऊंगी, जो चमक देखो आपको अभी दिख रही होगी, इतनी चमक आ गई है इनके, क्योंकि अभ्यंग पाउडर बेस्ट है। अगर किसी को जैसे कोई चमकाता है तो पीताम्बरी यूज़ ना करें, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पीताम्बरी का यूज़ ना करें। आप इस तरह से चंदन यूज़ कर सकते हैं, अभ्यंग पाउडर यूज़ कर सकते हैं, जो मैं कर रही हूँ ईज़िली मार्केट में मिल जाता है, नहीं तो ऑनलाइन भी मिल जाता है। तो ये देखिए ये इनकी चरण सेवा कंप्लीट हो गई है, ये देखिए तो मेरी लाडू को आराम मिल रहा होगा। हे लाडू मेरे बाबू, आराम मिल रहा मेरी लाडू को। तो ये मैं गंगा जल डाल रही हूँ, आप नॉर्मल जल भी डाल सकते हो जो आपकी इच्छा करे। तो मैं इनके चरण पखार देती हूँ टावल से, भी पोछ सकते हो आप, लेकिन मैं अपने, मेरे भाव हैं अपने, मैं अपने दुपट्टे से अपनी लाड़ों के चरण पोछती हूँ। तो
ये देखो कितनी शाइन आ गई मेरे लाड़ों के, है ना। और अब हम पहनाने पहले इनको महावर के रूप में हम ये लगा देंगे, क्योंकि ये फिर छूटेगी नहीं, अच्छे से लगी रहेगी। तो मैं एक बार ये जो थाली साइड में कर देती हूँ और ये लगाते हैं इनको प्लेन पेंट, फिर पायल पहनाऊँगी, ठीक है। या पहले पायल ही पहना देते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से एक पे तो मैंने गांठ लगा रखी, ये नई पायल मंगवाई है मैंने, ये देखिए। तो ये पहन ली, और एक ये है, मैं इसको बांध देती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हाय कृष्णा, ये देखिए मैंने इनकी पायल बना दी है, मेरी लाडली कितनी सुंदर पायल है। और अब मैं इनकी चरण सेवा करती हूँ, मतलब महावर लगाती हूँ, देखिए। और ये इसलिए लगा रही हूँ, छुटती नहीं है, क्योंकि नॉर्मल तो वैसे महावर छुट जाती है। तो मैं इनके नेल्स भी लगा रही हूँ लाडों के, ये देखिए इस तरह से मेरी लाडो भी प्यारे, कितने चुंदे चुंदे चच जाएंगे। तो आप इस तरह से लाडो के पैरों के उंगलियों पे लगा सकते हो, और दुनिया के सबसे सुंदर पैर मेरी लाडो के कर सकते हो। देखिए अब ये मैंने इनके लगा दिया है, और यहाँ साइड में भी महावर लगा देते हैं हम, महावर मान के, और इनकी चरण सेवा कर देते हैं इस तरह से। अकेले करना तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि फिर उठाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो ये देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ आपको अच्छे से दिखाने करने की, और इस तरह से मैं अपनी लाड़ू के पूरे पैर सजा दूँगी, ये देखिए। तो मैं साइडों में लगा रही हूँ अभी, ये मेरे लाड़ू लाडली, और इस तरह से मैं साइडों में लगा दूँगी। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। देखिए मैंने इस तरह से पैरों में ये लगा दी है, और अब मैं यहाँ पे छोटी सी डॉट बना दूँगी। हम जब छोटे होते थे तो ऐसे ही पैरों पे मम्मी जब मेहंदी लगाती थी ऐसे ही लगा लेते थे, ये देखिए इस तरह से। अब ये घुंघरू हैं तो थोड़ा सा संभल के करना पड़ेगा। तो मैं लाल लगा रही हूँ, आप जो भी कलर चाहे पिंक या कुछ भी आप वो लगा सकते हैं। तो ये मेरी लाडो की चरण सेवा हो चुकी है, और कितना आनंद मुझे आया करने में, उससे ज़्यादा तो मेरी लाड़ो को आया होगा करवाने में, है ना लाड़ो। और ये मैं छोटे छोटे डॉट भी डाल दूँ सोच रही हूँ इस तरह से। लाड़ो ओ लाड़ो, मैया की बिटिया रानी है ये मैया की, लड्डू की लाड़ो है मेरी, लड्डू की लाड़ो। और इस तरह से छोटे छोटे से डॉट, ये देखिए मैंने ऐसे डॉट लगा दिए। तो ये इनके चरण प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से लग रहे हैं मेरी लाड़ों के चरण। देखिए यहाँ भी कर देते हैं, तो ये लाइनें थोड़ी थोड़ी दी हुई हैं, इसी के ऊपर कर रही हूँ मैं, तो अच्छा लगता है। लो जी हो गई मेरी लाडो की चरण सेवा, और अब ये सूख जाएगी तो फिर और अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप अपनी लाडो की चरण सेवा कर सकते हैं, ये देखिए। और आपको कैसी लगी मेरी लाड़ों की चरण सेवा कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी चरण सूख रहे हैं, और आपको और पास से दिखाऊं, ये देखिए ये मेरी लाड़ों की चरण सेवा है। तो अभी सूख जाएंगे, तो इसलिए मैं अभी थोड़ी देर पंखा चला देती हूँ, अभी मैंने बंद कर रखा है, क्योंकि फिर वीडियो में बहुत आवाज़ आती है। तो
यशी राधे। तो आप भी करिए इस तरह से अपनी लाडली की चरण सेवा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सब भी इस तरह से लाडली की चरण सेवा करते रहें। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जय श्री राधे।